इसकी जो वाटर क्रॉस टेस्ट करेंगे भाई कितने आराम से निकलती है। तो आपको हम नई जगह एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो कैसे आप सब लोग, बाकी हम एकदम बढ़िया। एंड अभी हम शिमला में ही होटल में ही हैं। एंड भाई जी अभी ऋतिक भाई गए हैं नहाने के लिए। बाकी अभी का सीन कुछ ऐसा है भाई जी, और रात को आ गए थे वापस 12-1 बजे के आसपास पहुंच गए थे यहाँ आके, फिर सो गए थे। सो अब का सीन ऐसा है, अभी हम निकल रहे हैं वापस चंडीगढ़ के लिए। थोड़ी देर में निकल जाएंगे, अभी 10:30 के आसपास हुआ टाइम। अभी नीचे करेंगे ब्रेकफास्ट, उसके बाद निकल जाएंगे आगे। पापा मामा निकल गए थे सुबह ही 6-7-8 बजे के टाइमिंग में निकल गए थे। एंड सुबह क्या हुआ कि हम सोए हुए थे यहाँ पे अंदर होटल में, एंड नीचे जो मतलब वर्कर है होटल के उनको लगा होगा कि ऊपर वाला पूरा फ्लोर खाली हो गया, मतलब सारे चले गए हैं। और वो उन्होंने कहा कि ये चाबी भी हमारी बाहर ही लगी हुई थी, तो उन्होंने लॉक कर दिया। और भाई साहब बड़ी मुश्किल से यहाँ पे ये घंटी दिखी हमें, फिर ए वाली जो घंटी, इसको घंटी को दबाया, फिर जाके जो है नीचे से आया कोई, उसने खोला, ऐसे तो हमें लॉक करके चले गए थे। भाई साहब यह मैं रेडी हो चुका हूँ, ये चेक कर सकते हो आप। एंड जब सीधे निकलेंगे पहले तो यहाँ नीचे एक शॉप है, वहाँ पे देखते हैं ब्रेकफास्ट कर। एंड उसके बाद सीधे बाइक के पास चलेंगे, बाइक से सीधे निकलेंगे हम सोलन के लिए। आज देखते कौन से रास्ते से जाएंगे, शायद आज हम संजोली की कुफरी वाले रास्ते, पता नहीं कौन सा रास्ता, ऋतिक बता रहा था कोई, वहाँ से डायरेक्ट हम सोगी निकलेंगे। तो सोलन के मतलब सोलन से पीछे निकलेंगे वहाँ से, तो डायरेक्ट देखते अब कौन से रास्ते से जाते हैं। आज आपको कुफरी भी दिखा देंगे। बाकी जी ऐसे भाई शादी में आ गया मज़ा, पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा। एंड अब चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से एंड मिलते हैं आपको सीधे आगे। ये कुछ अभी अपनी चाय आ गई, एंड अभी हम ब्रेड पकौड़ा खाएंगे, फिर आगे जाएंगे, आगे देखते हैं। फिर अब दोपहर में लंच करेंगे ब्रेड पकौड़ा के साथ, बढ़िया हो गया ब्रेकफास्ट जो भी होना था। 11 बज चुके हैं एंड सीधे अब बाइक के पास जाएंगे एंड फिर निकलेंगे आगे। गाइस ये चेक करो, अभी हम पहुँच चुके हैं साधु पुल। एंड ये है भाई कुछ प्लेस, कौन सी जगह से आए हम नीचे, कांडा घाट से पीछे एक जगह, वहाँ से नीचे को रास्ता गया भाई। और ये कुछ ऐसा प्लेस है, देखो टूरिस्ट प्लेस है भाई, टूरिस्ट देखो कितने आए हुए हैं। एंड यहाँ पे एक वाटरफॉल है, वहाँ जाएंगे अभी हम। एंड बाकी पानी चेक करो आप भाई, टूरिस्ट चेक करो पहले तो, कितना आया हुआ है यहाँ पे, सारे पंजाब हरियाणा के पहुँचे हुए हैं भाई साहब। और ऐसा ऐसा सीन है, अभी यहाँ से हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे, वाटरफॉल जाना है अभी। और ये कुछ अपनी बाइक खड़ी हुई है यहाँ पे सामने, बाकी अब यहाँ से निकलेंगे वाटरफॉल, देखते हैं कहाँ पे भाई, तो कितनी दूर है यहाँ से, 4 मिनट का रास्ता, थोड़ा ही है, फिर वाटरफॉल दिखाते हैं भाई आपको। बाकी ये कुछ प्लेस, मैं क्या यहाँ बैठ के क्या करना, इससे बढ़िया वाटरफॉल देखते हैं, यहाँ टूरिस्ट ही बहुत ज़्यादा है। तो चलो चलते हैं अब यहाँ से। अभी हम उस जगह से आ गए थे एंड अभी हम जा रहे हैं वाटरफॉल। ये तो नहीं है रिवर व्यू ऊपर, अभी हम जा रहे हैं कि वाटरफॉल देखेंगे भाई कैसा। और भाई इस जगह में इतना टूरिस्ट आया हुआ है ना, क्या बताऊँ। और ये चेक करो नीचे भाई, गाँव कितना सुंदर है, बढ़िया जगह है, बहुत टूरिस्ट इतना आया। और हार्ले डेविडसन वाले भी आए होते हैं यहाँ पे भाई राइड लेके, उनकी 5-6 बाइक्स की। और आज भी एम डब्ल्यू वालों की भी संडे राइड है, तो वो भी शायद आए होंगे। उन्होंने आज जो सोलन में अपना मोहन मेकर्स का जो मंदिर है, मतलब पार्क है जो भी है, वहाँ पे आज उनकी राइड थी। तो मेरे ख्याल से वो तो आज वापस चल, अभी तक तो वापस चले गए होंगे, देखते हैं अगर मिलेंगे रास्ते में तो भाई मिल लेंगे सभी से। रोड चेक करो दोस्तों एक बार, कितना खतरनाक है, अल्टीमेट रोड है भाई। एंड बाइक की परफॉर्मेंस भाई, मतलब बाइक इतनी सेक्सी चली है ना, मतलब 3000 किलोमीटर होगी अपनी बाइक डन, ओ माई गॉड, 3000 किलोमीटर होगी, 3000 से ऊपर ही होगी ऐसे तो अपनी बाइक। एंड भाई बाइक की मतलब मोटी स्मूथ चली है भाई, अभी तक मज़ा आ रहा है। ऐसे चढ़ाई देखो, चेक करो चौथे पाँच में भी ईजी चढ़ जाती है, बहुत प्यार से, मतलब पिकअप वगैरह बहुत अच्छा है भाई, मज़ा। दोस्तों कुछ ऐसा है भाई, आप होगी जी ऑफ रोड खतरनाक वाली, गूगल मैप तो भाई बड़ा कुछ बना रहा है। देखो जी यहाँ से कुछ अपना ऑफ रोड स्टार्ट होता है, अच्छा वाटरफॉल ऐसे नीचे कहीं पहुंच जाते हैं भाई, चाहे अच्छा हो जाए बुरा हो। हैं पहली बार तो मैं भी जा रहा हूँ घाट की, कौन कौन सी जगह है, साधु पुल, साधु पुल
भाई ऑफ रोड जा करो कितने 40 की स्पीड में, देखो कैसे जल्दी हुई है मक्खन गाड़ी नहीं। तो गाइस अभी इसकी जो वाटर क्रॉस टेस्ट करेंगे भाई कितने आराम से निकलती है, एंड मेरे पैर गिल्ले ना हो बस। ओहो भाई साहब अल्टीमेट भाई, मजा आ गया मजा आ गया भाई सही। वेरी नाइस खतरनाक है ऑफ रोड और इतने प्यार से चढ़ रही है ना बाइक, मजा आ रहा है भाई मजा। बड़े प्यार से अपना रोड हुआ वहां से आए हम, थोड़ा सा आगे जाके देख लेते हैं एक आधा किलोमीटर फिर चल जाएंगे जी वापस, मिला कुछ तो ठीक है नहीं मिला तो फिर चलो। अभी ऊपर से आके पहुंच चुके हैं हम एंड भाई यहाँ वाटरफॉल कहाँ पे है, वाटरफॉल कहाँ है यहाँ पे? वाटरफॉल तो पता नहीं ये यहाँ पे क्या नहाने को आगे वाटरफॉल शायद ऊपर है ना, यहाँ से ट्रैकिंग करके जाते पैदल। अच्छा पैदल है, बाइक अपनी साफ हो चुकी है अब यहाँ से निकालते हैं जी इसको बाहर। तो निकालूंगा कैसे भाई, तो स्टैंड भी निकालना था इसका, स्टैंड निकालना था वो देखो, मेरे को कुर्बानी देनी पड़ेगी पैर की। हाय पैर हो गया गिल्ला, बच्चे ना आ रहे हो उधर बढ़िया छुड़ू है बनाया हो वरा। अरे चलो तो दोस्तों अब निकलते हैं यहाँ से ना, टाइम हो गया 13:22 एंड अभी सफर है अपना बहुत लंबा, बहुत तो क्या थोड़ा ही लंबा है, ऐसे चले रहे तो 1.5 घंटे पहुँच जाएंगे चंडीगढ़ जाके, पर चंडीगढ़ जाके करना क्या है गर्मी में। तो गाइस फाइनली मेन रोड में आ गए और भाई रोड चेक करो कितना सेक्सी है, बिल्कुल ऐसे लश लश करके जा रही है भाई बाइक। पूरे पहाड़ काट के भाई यहाँ पे 4 लाइन का काम लगा हुआ है बढ़िया, और ऐसा है जी कुछ सामने का व्यू तो भाई नीचे ऑफ रोड जहाँ हम गए थे अभी वहाँ ऑफ रोड करने का मजा आ गया बढ़िया था। मतलब ये क्या बढ़ गया हो मोहन मेकर का मंदिर को रास्ता 6 किलोमीटर है यहाँ से, बहुत प्यारा मंदिर बनाया हुआ है राधा। फाइनली गाइस आपा सोलन पहुंच चुके हैं एंड ये रही कुछ सामने आपका सोलन भाई साहब, टाइम हो चुका है 2:00 भाई, 2:02 अगर चले रहे तो अब तो 1.5 घंटे में रुक पहुँच जाएंगे, और अगर रुक गए तो भाई 2.5-2 घंटे रख लो। दोस्तों ये चेक करो भाई सोलन और सोलन का माल रोड भाई अल्टीमेट, यहाँ पे मेले होते हैं कुछ। गाइस हमें साहिल भाई मिल चुके हैं AS गेमिंग, भाई साहब भाई को पकड़ते हैं अभी 2 मिनट को। वाह 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 लुक चेक करो एक बार, व्हाट यू आर लुकिंग ब्रो हाय ड्रीम। ओके 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 पर गाइस आप लाइन अप चेक करो, Harley Davidson, ZX10 R and BMW. भाई जी कैसे हो ब्रो? भाई हो गया एकदम अनएक्सपेक्टेड मीट हो गया। हाँ मैं हाँ और बताओ कैसे हो आप? हेलो ब्रो ब्रो भाई
मेरे को लगा था आप संडे राइड में, मैं क्या कहीं ना कहीं मिल ही जाओगे आज। मैं तो अभी बड़े बड़े पीछे से सोच के आ रहा, शिमला से आए ना अभी हम। अच्छा अच्छा, तो मैं सोच के आ रहा था, मैं क्या पता बीच में मिल जाए मिल जाए। हम यार वैसे सुबह सुबह निकलते हैं, बस आज थोड़ा सा लेट। हां 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 वही। और YouTube YouTube ब्रो, ट्रैवल विद सोनी। अच्छा, मिलते हैं, नाइस टू मीट यू एंड थैंक यू सो मच। ओके भाई साहब, चलो निकलते हैं अब अपनी बीमर में। या ब्रो, चलो जी भाई जा रहे हैं एंड आपा भी निकलते हैं अब यहां से। बहुत बढ़िया लगा भाई साहब भाई से मिलके। भाई निकल गया, भाई बोलता यार बोला आपका मैं बहुत भूल आया आगे भाई। ओके ब्रो, मतलब आज जो है ना अपनी किस्मत बहुत ही खतरनाक थी। ऐसे अगर हम वहाँ नीचे नहीं गए होते घूमने तो शायद हम साहिल भाई से नहीं मिल पाते, और अभी हम खाना खाने बैठ गए होते। मतलब यहाँ पे भीड़ थी बहुत, तो हमने यहाँ पे खाना नहीं खाया। फिर हमने सोचा कि चलो निकल चलते हैं, कोई चक्कर नहीं है। एंड अगर खाना खाने बैठ गए होते तो शायद हम नहीं मिल पाते भाई साहिल भाई से। भाई बहुत मतलब अच्छा लगा भाई, अनएक्सपेक्टेड एक मीट होगी भाई के साथ। अब देखेंगे कभी संडे राइड में आऊंगा ना कभी भाई से मिलने फिर से। बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया। अब चलो निकलते हैं चंडीगढ़ के लिए वापस। भाई बोल रहा था, बोला हम यहाँ से कुछ आगे से मतलब 6-7 किलोमीटर आगे से टर्न हुए हैं, तो भाई से मिलने के लिए पूरे 16 नहीं पहुंच गए थे मतलब। तो भाई बोलता बोला यार आपको बहुत हो गया है, मैं कोई चक्कर नहीं भाई, मिलने के तो कोई टेंशन नहीं है। गाइज मेरी हालत आप चेक कर सकते हो, एंड अभी हम पहुंच चुके हैं आगे चंडीगढ़ वापस। भाई साहब मज़ा आ गया। टाइम क्या हो रहा है अभी? टाइम हो रहा है 4:30। सुबह निकले थे हम 11 बजे अपने वहां से, 11:37 में निकले थे मतलब शिमला से। तो बाकी अभी यहां कुछ 21 सेक्टर में ये पी रहे माउंटेन ड्यू अभी गजीन कुछ ऐसा। अभी हमने बाइक की रिफ्यूलिंग भी कराई तो भाई बड़ी एवरेज दे रही, 34 की एवरेज निकाली इसने पूरे ट्रिप में। 282 किलोमीटर जो अपनी बाइक ड्राइव हुई अभी तक, एंड फिर हमने टैंक फुल करा दिया तो 34 एवरेज जो आ रही है बड़ी एवरेज मिल रही है भाई। एंड बाकी अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी पियेंगे एंड निकलेंगे रूम वाली साइड। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा गर्मी क्यों बढ़ गया देखो, मेरे बाल गीले हो गए हैं पसीने से फुल खींच के। बाकी जी हम निकलेंगे यहाँ से रूम में एंड इस व्लॉग को भी करते हैं यहीं पर, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी भाई साहिल भाई से मिल के आ गया मज़ा, उनके साथ भी जल्द जो है राइड करेंगे। बाकी देखते हैं कब होती है कब नहीं होती है। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब कर लो ट्रैवल विद सोनी।